नमस्ते एवरीवन वेलकम टू द थिंकिंग पॉडकास्ट और आज हमारे साथ हैं सीए नीरज लोहिया सो नीरज का केस केसा बहुत इंटरेस्टिंग है मैं बताती हूँ कैसे सो नीरज वाज ऑलरेडी वर्किंग विद बिग फोर्स देन ही मूव्ड टू द इंडस्ट्री उन्होंने इंडस्ट्री में दो साल काम किया फिर जब उन्हें लगा कि यार उतना किक नहीं मिल रहा है बिकॉज जो एक बार हमें हाइपर एनवायरमेंट में वर्क करने की आदत हो जाती है ना काम करने की आदत हो जाती है फिर तो वो आदत इंडस्ट्री में जाके थोड़ा छूट जाती है सो देन नीरज डिसाइडेड टू स्विच बैक टू कंसल्टिंग बिग फोर और अपने जो मेन डोमेन रिस्क एडवाइजरी इंटरनल ऑडिटिंग जिसे हम प्यार से बुलाते हैं उस डोमेन uh, में उन्होंने स्विच बैक करने की ट्राई uh, किया नाउ वेल ही वाज डूइंग वाज डूइंग दैट ही डिस्कवर्ड थिंकिंग ब्रिज और मैंने जब फिर मेरा जब मुलाकात हुआ नीरज से बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि आपको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस था आपने क्यों एनरोल किया उस कोर्स में तब फिर उन्होंने बताया कि मैं इंडस्ट्री में था तो मुझे थोड़ा सा ब्रशअप करना था और ऐसे बात करते करते पता चला कि एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है नीरज का जो कि हम definitely उनके experience है, हम उनके आज बहुत सीखने वाले हैं इंटरव्यू कैसा होता है में और इंडस्ट्री में काम करने के दो दो पहलू वो दोनों खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं उसका सो so दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स

तो मतलब आ, वैसे मतलब फर्स्ट अटैम्प में निकाल दिया ऐसा लगता है कि यार सी की जर्नी स्मूथ रही होगी बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली फर्स्ट अटेम्प में निकालने में भी बिल्कुल लाइक ऐसी तैसी हो जाती है सॉरी फॉर द रोंग चॉइस ऑफ वर्ड बट आई बिलीव इट ट्रूली टेल्स दी फीलिंग कि हाँ भाई एक्चुअली में बहुत बहुत मेहनत लगती है फर्स्ट अटैम्प में निकालने में भी और वो जर्नी ऐसा दिखने में स्मूथ लगती है दुनिया को कि हाँ फर्स्ट टाइम में हो गया बट उसके पीछे जो हार्ड वर्क है जो स्लीपलेस नाइट्स हैं जो एंजाइटी भरे दिन है वो शायद लोग देखते नहीं होता सो so, आप थोड़ा सा बताइए अपनी सीए की जर्नी ने आपको लाइफ में क्या लेसंस दिए उसके बारे में बताइए हां सो मेरे को लगता है सीए का जर्नी किसी के लिए भी एक सबसे स्लाइलेस नहीं यही होगा कि वी हैव टू कीप पेशेंस लाइफ में जो जिसको जैसे मिलना होगा वो मिलेगा ऐसा hmm. नहीं हो सकता कि अगर आपको आज आज चीज चाहिए तो आज ही मिले यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट आपको सोड़ा काम करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा और अगर आपने उतना एफर्ट डाला है और आपने उस, उस दिलते तो ऑब्वियसली वो आपको मिलेगा ठीक hmm. <laughs> है सो so, uh, हम चलते हैं डायरेक्टली राइट right? और रिस्क एडवाइजरी का डोमेन में वो आ, वर्क करते हैं सो so, सबसे पहले आप यही बता दीजिए आपने इंडस्ट्री आ, जैसे बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है <laughs> mm. कंसल्टिंग भी देखा है इंडस्ट्री भी देखा है मिड साइज फॉर्म भी देखा है आपके इतने एक्सटेंसिव पीरियड में आपने सभी चीजें देखी हैं तो सबसे पहले आप इंडस्ट्री में आ, काम करने के का तरीके को और जो बिग फोर या फिर कंसल्टिंग डोमेन में जैसे काम करते हैं उन दोनों के वर्क एक्सपीरियंस को जरा डिफ्रेंशिएट करके बताइए ओके सो इंडस्ट्री में काम करने का तरीका ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होता है सो so, बेसिकली uh, आपको ऑब्वियसली जितना हेक्टिक एनवायरनमेंट कंसल्टिंग में मिलेगा या बिग फोर में मिलेगा उतना या कोई सी एफ में भी मिलेगा उतना आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा तो वहाँ लाइफ थोड़ा अगर आपको किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या आपको है कि नहीं आपके कुछ और भी प्रायोरिटीज हैं खाली काम नहीं है और आपको इतना ज्यादा सीखने का वैसा नहीं है कि हाँ ठीक है आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में पहले से सी, सीख लिया और अब आपको उतना नहीं है कि ठीक है मैंने सीख लिया मुझे बस काम करना है तो आई थिंक इंडस्ट्री इज गुड फॉर देम बिकॉज वहाँ आपको ऑब्वियसली इतने ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे बट आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा तो ये आपका मतलब ऑब्वियसली बैलेंस वैसे ही होता है ऑब्वियसली अगर आप बिग फोर में जाओगे तो बिग फोर में आपको सीखने के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहेंगे आप मतलब

नहीं सो तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर एक आ, किसी भी मैंने अभी तो दो बिग फोर में काम किया मेरे को तो किसी भी बिग फोर में ऐसा टॉक्सिक वर्क कल्चर तो नहीं लगा अब बसली इंडस्ट्री में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बस वही है कि इंडस्ट्री में थोड़ा लाइफ स्टिल रहता है आपके पास इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता तो आपको थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है बट बिग फोर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है किसी 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 के लिए सबके लिए बिग फोर भी नहीं बना है फ्रेंकली क्योंकि अगर आपको लाइफ में आपके और भी प्रायोरिटीज है खाली काम नहीं है और आपको ऐसा है कि नहीं आपको पर्टिकुलर में इतने ही काम करना इससे ज़्यादा नहीं करना तो आई आई थिंक इंडस्ट्री उनके लिए गुड है बट अगर आपको है कि नहीं आपको बस काम करना है लाइफ में ग्रोथ चाहिए और सीखना है तो आई थिंक बिग फोर इज गुड एंड ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है

पहली बात तो ऑबियसली मैं थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया था बिकॉज दो साल इंडस्ट्री में था बॉज वर्किंग इन टू डिफरेंट डोमेन तो इंटरनल नॉलेज में थोड़ा सा टच छूट गया था तो ऑब्वियसली वो मेरे को हेल्प हुआ बिकॉज वो अंदर है सारा नॉलेज था वो बड़ी आई जस्ट नीड टू स्क्रैच इट सो वो ऑब्वियसली जब मैंने वो, वो क्लास लिया तो उससे वो थोड़ा सा जितना भी धुंधला चीज था सारा क्लियर हो गया एंड ऑब्वियसली इट हेल्प मी टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू डेफिनेटली हम्म बिकॉज अगर आपको वो वो जो भी नॉलेज नॉलेज जैसे अब मेरे मेरे लिए तो तो कि पास था मैंने ब्रश किया और उस बेसिस में मैंने अपनी प्रिपरेशन की अब जो अगर मान लो जिसके पास अभी उतना ज्यादा नॉलेज नहीं एक्सपीरियंस नहीं है बट अगर वो भी वैसा करते हैं अगर वो उस टाइप के क्लासेस करते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगी कि ये डोमेन uh, कैसे काम करता है और

Uh, क्योंकि अपस्किलिंग जो है ना इट गोज वे बियॉन्ड क्लियरिंग जस्ट योर इंटरव्यू इंटरव्यू की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अलग है काम करने की स्ट्रैटेजी अलग है इंटरव्यू आपका स्मूथ इसलिए अच्छा चला जाएगा बिकॉज आपके पास टेक्निकल नॉलेज अगर अच्छा होगा hmm. तो द पर्सन इज रेडी टू टेक अ बेट ऑन यू कि हाँ Correct. भाई ये बढ़िया घोड़ा है जैसे बोलते हैं ना ये लंबी रेस का घोड़ा है इस पे लगा दो hmm. पैसे सो so, एक वो बेट लेना ही तो होता है सो दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट थिंक अबाउट अलॉट कि भाई सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं प्रिपेयर करना है इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा बट उसके बाद अल्टीमेटली काम okay. आपको करना है प्रूव आपको करनी है अपनी वर्थ को करेक्ट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप मेनी पीपल डोंट यूजुअली टॉक अबाउट इट चलिए आगे चलते हैं सो मैनेजेरियल लेवल पर इंटरव्यूज किस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं हम यूजुअली केटर करते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स

अगर आप जस्ट फ्रेशर हो या आपको एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू पैटर्न चेंज हो जाएगा जस्ट फॉर एग्जांपल से अगर कोई जस्ट सी ए बना है uh, जिसने सिर्फ आर्टिकलशिप किया है ऑब्वियसली जिसको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है कि उसने बिग फोर में इंडस्ट्री में काम नहीं किया तो हम उससे ये एक्सपेक्ट ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसको ए टू जेड प्रोसेस के बारे में पता हो या सब कुछ हो बट उसने आर्टिकलशिप में अपने सीवी में जो भी डाला है जो भी काम डाला है एटलीस्ट उसको वो पता होना जरूरी है ठीक है और उसको थोड़ा बहुत जो भी थोरिटिकल नॉलेज उन्होंने गेन किए ऑडिटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में राइट right? वो सब पते होने चाहिए वो आई थिंक उतना वील एक्सपेक्ट किए हाँ उनको वो सब पता है बिकॉज वो सी ए बने हैं रिसेंटली बने हैं तो उनको वो सब तो नॉलेज होना ही चाहिए बट जब हम बात करते हैं लेट से कि द पीपल जो थोड़े एक्सपीरियंस है दो साल का एक्सपीरियंस है या तीन साल का एक्सपीरियंस है तो उनका फिर थोड़ा ऑब्वियसली मोर टेक्निकल होगा बिकॉज उनको नॉलेज है पहले से तो उन्होंने क्या काम किया है उनको काम में कितना मतलब उन्होंने

तो चलिए के के बारे में में ही बात करते हैं में manager round, manager position के लिए कितने interview होते हैं? आग, आप मतलब बिल्कुल से लेके end तक हमें बताइए कि अप्लाई कैसे किया फिर एचआर का कॉल कब आया कितना टाइम लग गया फिर राउंड नंबर वन राउंड नंबर टू ऐसे करके आप ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं मेरे okay, लिए so, uh, प्रोसेस मेरे को आई थिंक एक ही दिन में मेरा हो गया था आई uh, थिंक okay. कुछ uh, उनका वो चल रहा था उस समय कि बैक टू बैक इंटरव्यू चल रहे थे तो आई थिंक uh, एक ही दिन में मेरा सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट डे से टू राउंड्स हुए थे फर्स्ट राउंड आई थिंक मॉर्निंग में हुआ था सेकंड राउंड समवेयर अराउंड इवनिंग में हुआ था एंड बाय नेक्स्ट डे आई गॉट टू नो कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मैनेजर पोजीशन ओके ओके एंड ये जो राउंड्स हुए थे ये आपके ऑफिस प्रीमिसिस में हुए थे या फिर uh... नहीं ऑनलाइन uh, uh, थे ओके बोथ द इंटरव्यूज वर ऑनलाइन परफेक्ट ठीक है एंड टेलीफोनिक राउंड जैसे यूजुअली फ्रेशर लेवल पे तो टेलीफोनिक राउंड में ही जो एचआर राउंड होता है जैसे हम एक यू you नो know, एक आइस ब्रेकिंग सेशन या आइस ब्रेकिंग राउंड जिसे कहते हैं वो होता है सो so, ऐसा कुछ टेलीफोनिक uh, राउंड होता है uh...

एंड ये आई थिंक मैं भी अभी इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ तो हम जो भी है वो सीवी में जो लिखा है उसी से पूछते हैं तो मेरे को भी जितना याद है सीवी में जो जो लिखा हुआ था उसी से काम पूछा गया था कि प्रैक्टिकली क्या किया है ऑब्वियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्या हुआ एंड ऑल दिस थिंग तो वो टेक्निकली और पूरा टेक्निकल तो होता है ऑब्वियसली जितना टेक्निकल जा सकते हो उतना टेक्निकल जाते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन देखा जाता है सब कुछ देखा जाता है तो उस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं हम्म 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 गॉट इट थोड़ा टॉपिक्स आप बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है बिकॉज मैं एक्चुअली बार बार आपको पोक इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन से जो ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट उनको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक में से पढ़कर जाना चाहिए ऑब्वियसली लाइक सीवी में से ही आपका मेन पूछा जाएगा बट स्टिल आई बिलीव कुछ जेनेरिक क्वेश्चन तो शायद वो सभी से पूछते होंगे क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या रहता है क्या केस स्टडी पूछ लेते हैं अगर पूछी थी अगर आपको कोई केस स्टडी याद है जो आपसे पूछी गई होगी मे बी यू कैन शेयर दैट अ तो बेसिकली ऑब्वियसली अगर जैसे मैं इंटरनल ऑडिट के लिए अप्लाई किया तो बेसिकली सारे क्वेश्चन रिलेटेड इंटरनल ऑडिट होंगे अकाउंटिंग से होंगे हुँ. कि भाई ऐसे हुआ तो क्या होगा सम ऑफ दिस सिनेरियोज होंगे या अच्छा ये ऐसा अगर मेरे को ऐसा डाटा मिला या ऐसा कुछ आ, कंट्रोल बताया जाएगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं तो उस टाइप के सीनारियों बेस होते हैं कि अच्छा ये वाला सिचुएशन हुआ तो कैसे हम ऑडिट करेंगे ऑल दिस थिंग्स वेर आर देयर बट अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली मैनेजर लेवल पे uh, उतना ज़्यादा हम लोग बुकिश नॉलेज पे नहीं जाते ऑब्वियसली मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं थियरटिकल पूछा गया था कि ये बताओ वो बताओ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था बिकॉज ऑब्वियसली mm. जब आपको फाइव सिक्स ईयर्स का एक्सपीरियंस होता तो उसमें फिर थियरटी उतना काम नहीं आता बिकॉज आप प्रैक्टिकली आपको मोटा मोटी बताओ था बट जो नीचे लेवल पे होता कि जो जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया तो उनसे हम बेसिकली प्रैक्टिकल भी पूछते हैं नहीं होता है, तो उनको बैलेंस करके चलना पड़ता है हम उनसे नहीं, नहीं कर सकते कि यार आप सब कुछ प्रैक्टिकली बता दो ऑब्वियसली उनको उतना नॉलेज नहीं होगा बटेटा मैनेजर लेवल या उससे सीनियर होगा तो ऑब्वियसली सब कुछ प्रैक्टिकली बहुत कम ही पूछा जाता है सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे होता है ओके सिनेरियो बेस्ड ही होता है ठीक है हुँ. और uh, क्या डायरेक्ट आपको लाइक ऑन द स्पॉट ही क्या एक्सेल का कोई लाइक केस स्टडी दे देते है आता है अच्छा एक्सेल वगैरह का केस स्टडीज नहीं दिया जाता है बिकॉज़ because...

जस्ट आई एम जस्ट इंटररप्टिंग बिकॉज अगर आपने तीन चार साल बिग फोर में पहले बिताए हैं तो ऑब्वियसली एक्सेल और पावर पॉइंट तो आता ही होगा करेक्ट है एब्सोल्युटली अच्छा जैसे आपने बताया कि आप खुद अभी इंटरव्यूज लेते हैं तो आप hmm. क्या फ्रेशर्स को ऐसे ऑन द स्पॉट एक्सेल की केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करने के लिए देते हैं A case study करने के लिए नहीं देता बट uh, मैं पूछ लेता हूँ की सेवन या एट कोई अपने आपको रेट करता है की पता तो मैं ज्यादा ग्रिल नहीं करता बट ऑबली कोई बोलता है मेरे को सात आठ पता है अगर मेरे को कोई बोले की

सो so, जो फ्रेशर्स अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप उनको क्या टिप्स देंगे कि कौन से एक्सेल के फंक्शन जरूर पढ़ के जाना चाहिए जो यूजुअली इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं एक्सेल के आई थिंक ऑब्वियसली वी लुक इज समथिंग व्हिच नॉर्मली पीपल शुड नो वी लुक समथिंग पूछा मतलब अगर हम किसी से पूछते कि तुमको क्या आता है कुछ फॉर्मूलाज बताओ अगर तुमने कुछ काम किया तो ऑब्वियसली वी लुकअप हो गया जो वी एक्सपेक्ट के उनको पता होगा उसके बाद काउंट हो गया पीवट वगैरह उनको आता होगा पीवट कैसे बनाते हैं ठीक है अगर जिसको बेसिक बेसिक में है तो इफ का फॉर्मूला हो गया इफ़ कैसे लगाते हैं काउंट काउंट इफ कैसे लगाते हैं सम इफ कैसे लगाते हैं जो बोलता है कि मेरे को थोड़ा बहुत पड़ता है और कोई बोलता है कि अगर मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है इसमें तो फिर

पहले जितना डिफिकल्ट था उससे करने का कोशिश कर रहे हैं कि चलो इतना कॉम्प्लेक्स को हाउ कैन मेक इट इजी तो तो लो वो लोग अब और एजी एजी निकाल दिए तो ठीक है है तुमको पता है क्या नहीं बट नहीं भी पता होने हाँ, तो आना ही चाहिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है उसको तो मिस करना ही नहीं चाहिए आ, है. और आर्टिकल लेवल पे तो उनसे आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कोई टॉपिक्स जो पढ़कर आने चाहिए मतलब बेसिक से जैसे इंटरनल ऑडिट सार्ट ऑडिट का डिफरेंस बता दो ऐसे-ऐसे कुछ सवाल आप बता सके right. तो हुँ. तो बेसिकली uh, जो सीए आर्टिकलशिप कंप्लीट कर जाते हैं तो बेसिकली हम या yeah, एटलीस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं तो कि व्हाट आई आस्क देम कॉमनली कि मैं अगर थियरटिकली जाता हूँ तो थोड़ा बहुत मैं ऑब्वियसली कंपनी एक्ट के बारे में पूछूंगा थोड़ा बहुत आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ठीक है थोड़े बहुत ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछूंगा सो बेस, और जैसे अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन बोलो तो सॉक्स के बारे में आई एफ सी के बारे में पता होना चाहिए आई एफ सी क्या बोलता है एज पर कंपनी एक्ट आई एफ सी क्या हो गया हम लोग इंटरनल ऑडिट कब करवाते हैं बिकॉज ये सब स्टैंडर्ड्स मतलब कंपनी एक्ट के हिसाब से ही होता है तो अपने को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कब होता है आईएफसी में और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंसेस हैं फिर थोड़े टेक्निकल ऑडिट में चले जाते हैं तो भाई ऑडिट रिस्क क्या है ये सब सब है ऑडिट रिस्क क्या है इन रिस्क क्या है तो वे लास्ट दैम सब चीज फिनेंशियल असेशन कितने होते हैं फिनेंशियल असेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं सबके क्वेश्चन ठीक है परफेक्ट आई थिंक अबाउट इट कोई टिप्स और कोई लेसन आप उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं इंटरव्यू प्रेपरेशन से रिलेटेड या फिर सी ए जर्नी से रिलेटेड ताकि उनकी जर्नी थोड़ी स्मूद हो जाए uh, तो अगर इंटरव्यू थिंक वी शुड भी जो भीट uh, आपको फेक नहीं करना चाहिए वो आता है जो आता है ये काम किया मेरे को ये आता है और वो जो आपने काम किया उस पर आपका फिर आ, ग्रिप होना चाहिए आप पहले से आप ये सोचोगे कि कल आपका इंटरव्यू है और आप जस्ट जाके बैठ जाओगे नॉर्मली नहीं होता है वो, आपको उसके लिए पहले होमवर्क करना पड़ता है बिकॉज आपको अगर ऑन द स्पॉट कोई कुछ पूछ पूछे तो आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा राइट तो आपको पहले से होमवर्क करना पड़ता है कि ये मेरे सीवी है मैंने ये ये पॉइंट लिखा है तो इसमें मेरे को मैंने ये काम किया था वो काम किया था आपको पहले एक बार होमवर्क करके आप बैठो उसके बाद

ब्रशअप करके रखो कि चलो ठीक है कंपनी में क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मोस्टली लोग जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू के बारे में पूछेंगे इन्वेंट्री के बारे में पूछेंगे नॉर्मली बिकॉज ये ज्यादातर दा, uh... कंसल्टिंग uh, में ये ज्यादा यूज होते हैं बिकॉज हम जब ऑडिट भी करते हैं तो हम रेवेन्यू इन्वेंट्री वगैरह देखते हैं तो ये सब के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ऑब्वियसली होना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ कंसल्टेंट एंड देन यू हैव टू डू ऑडिट राइट तो आपको एटलीस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए थियेटिकली बेसिकली ऐसा नहीं कि सब कुछ पता होना चाहिए बट थोड़े बहुत जो भी भीज है वो पता होना चाहिए और hmm. uh, बार बार की तो ठीक है जो काम किया आप बता दो कि मैंने ये काम किया है एंड इट्स ऐसा ऐसा कुछ हम ऐसा कुछ हम एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि उनसे कि उनसे वो सब आते ही सारा काम खुद ही कर ले और उनको ट्रेनिंग मिलता तो हम ये नहीं देखते हैं बट ये देखा जाता है कि वो कितना सीखने के लिए मतलब रेडी है ये नहीं होना चाहिए कि सीखने के लिए रेडी नहीं हो सो so, मतलब टेक्निकल्स पर एक बार को कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा लेकिन अगर सीखने की इच्छा बहुत है तो सिलेक्शन करेक्ट मोर है

एंड एटलीस्ट कंसल्टिंग में तो आई थिंक हम ये सब देखते हैं बिकॉज आप ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के साथ काम करोगे आप क्लाइंट के साथ काम करोगे राइट right? तो आप क्लाइंट के साथ कितना अच्छा से बिहेव करते हैं सब देखा जाता तो वो सॉफ्ट स्किल्स भी हम देखते हैं कि अच्छा उनके सॉफ्ट स्किल कैसे हैं हम्म राइट अच्छा आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन सो एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में हमने बात नहीं करी ज्यादा so, uh, लाइक like, कहाँ से अप्लाई करना चाहिए लिंकड के थ्रू फॉर एग्जाम्पल या फिर आ, जो वेबसाइट जो पर्टिकुलर कंपनी के खुद के कारियर पेजेस होते हैं वहां से करना चाहिए या रेफरेंस लगानी चाहिए व्हाट्स द बेस्ट मोड टू अप्लाई बेस मोड तो अप्लाई थिंक ऑब्वियसली अगर रेफरेंस है कोई जान पहचान का है तो वो सबसे बेस्ट होता है बिकॉज वो डायरेक्टली अपना सीवी फॉरवर्ड करवा सकता है राइट वो थोड़ा

एंड ही इज ऑल्सो सून गोइंग टू बी रजिस्टर्ड ऑन आर गुरुकुल प्लेटफॉर्म तो आप इनसे डायरेक्टली मेंटरशिप सेशन भी बुक कर सकते हैं आपको इंटरव्यू में कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको अंडरस्टैंड करना है रिज्यूम में कोई हेल्प चाहिए यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हिम इज वेरी स्वीट एंड डेफिनेटलीउट दैट्स ऑल फॉर टूडेज पॉडकास्ट गाइज थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू थिंकिंग रिज यूट्यूब चैनल ऐसे और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेज फ्रॉम रियल पीपल will keep coming on our youtube channel thank you so much thank, thank you. you so much neeraj for taking our time and doing this thanks for inviting me thanks my